दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यदि जल्द ही प्रदेश के हजारों करुणा मूलक आश्रितों को नियुक्ति का लाभ नहीं दिया तो करुणा मूलक संघ शिमला में क्रमिक अनशन करेगा। यह चेतावनी शुक्रवार को मंडी में संपन्न बैठक के उपरांत करुणा मूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कही। इस दौरान मंडी जिला के बल्क क्षेत्र की रहने वाली करुणा मूलक आश्रित ललिता कौशल ने कहा कि उनके पति शिक्षा विभाग में बतौर अध्यापक कार्यरत थे, जिनका 2010 में सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व ही बीमारी के कारण देहांत हो गया था। लगभग 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को सरकार ने करुणा मूलक आधार पर नौकरी नहीं दी है। उनके परिवार में 6 बेटियां और 1 बेटा है, जिनका पालन पोषण इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में मुश्किल है। ये कार्यक्रम आज जिला मंडी में पूरी प्रदेश लेवल की एक मीटिंग रखी गई थी, उसका मतलब जो करुणामूलक नौकरी बहाली के मुद्दे को लेकर कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से और एक बैकडोर एंट्री की वजह से जो है करुणामूलक आश्रित जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, 15 से 20 सालों के बीच टाइम हो चुका है, लेकिन उनको एक जॉब की जो आस थी, ठीक है, वो आस की आस ही रह गई है। कोई भी सरकार द्वारा इस सटीक जो निर्णय नहीं लिया जा रहा है, सरकार द्वारा सिर्फ जस्ट कागज़ों में उलझाया जा रहा है, और जबकि मैक्सिमम कुछ एक लोग हैं जो कोर्ट केस भी जीत कर आए हैं, उनके केसेस भी सरकार द्वारा लटकाए जा रहे हैं, और ये कोई 15 से 20 साल से ये परिवार जो करुणामूलक परिवार ये पीड़ित परिवार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब 2017 में जयराम सरकार आई तो बहुत उम्मीद थी कि गरीब परिवार से मुख्यमंत्री जी हैं और करुणामूलकों के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन ये आस की रह गई, क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं लेकिन करुणामूलक आश्रितों के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। आगामी रणनीति में हम क्रमिक अनशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही मतलब जो डेट फिक्स की जाएगी उसमें हम क्रमिक अनशन के लिए जाएंगे, और ये अनशन जो है राजधानी शिमला में चलेगा, और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, और ये जो भी हमारी 6 सूत्रीय मांग है जब ये पूरी हो जाएगी तभी अब आर पार की लड़ाई है और करुणामूलक नौकरियां बहाल होंगी, तभी हम इस मुद्दे से पीछे हटेंगे, अन्यथा अगर हमें जान भी देनी पड़ी इस मुद्दे के लिए तो हम जो है शिमला में अपना तन मन धन लगा देंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।